हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और होली की तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप लोग कैसे हो। और आप देख सकते हैं मैं एक और प्यारा सा वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी भी होने वाला है और बहुत ज़्यादा काम का भी होने वाला है। और हर किसी के घर में इस तरीके के कपड़े होते ही हैं, कभी जो है बच्चों के होते हैं, बड़ों के होते हैं, और हम उनको अक्सर फेंक ही देते हैं। तो अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है तो कपड़े भी चेंज होते ही हैं, और कुछ कपड़े हमारे जो है ख़राब निकलते हैं तो उनको हम फेंक ही देते हैं। लेकिन आप इस तरीके से इसका रीयूज़ करेंगे ना, तो आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे और आप एक कुछ नई चीज़ बना पाओगे, वो भी खुद की हाथ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चे का जो है एक यहाँ पर निकड़ था, जो कि ख़राब हो चुका था, फट चुका था, तो मैं इसका यहाँ पर रीयूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसका जो है पीछे का पार्ट लिया जो थोड़ा सा प्लेन था, तो आप इसकी जगह कोई भी कपड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपके पास पड़ा हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो प्लेन पीस इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी ठीक है, इसीलिए मैंने ये निकड़ का पीस लिया। अब यहाँ पे कोई भी पैंट का कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी बेडशीट का ले सकते हैं, या फिर बच्चे की कोई पजामी है छोटी वोटी, उसका भी आप यहाँ पे, या फिर अपनी का भी कर सकते हैं। दो पीस यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। अगर आप लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए 7 इंच यहाँ पे चौड़ा है और 8.5 इंच यहाँ पे इसका लंबा है। तो दूसरा क्या फ्रेंड्स, देखिए इस तरह की कोई भी पजामी है जो स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी सी, जो हम पजामी ब्लैगी वगैरह पहनते हैं, या बच्चे लोअर वगैरह पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे, तो इस तरीके का जो स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा होता है हौजरी का, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें से जो है हम कटिंग करते हैं तो झड़ता नहीं है कभी भी। तो इससे मैंने पहले भी एक बार जो है एक मॉप बनाया था, तो उसका मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो उसका मैंने दो पीस कट करे थे तो एक मेरे पास बच गया था। तो देखिए आज मैं इसी का यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। पहले से मैंने देखिए इस तरीके से बनाए हुए थे ये, पहले भी मैंने जो है एक पोछा बनाया था, सॉरी मैंने मैट बनाया था, वो उसमें से देखिए कुछ बच गया था इतना, तो उसका मैं आज यहाँ पे जो भी बचा हुआ था उसका रीयूज़ करूँगी। ये देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए रखेंगे, साइड से भी हमें छोड़ देना है 1 इंच के आसपास, और ऊपर से भी, और सिल लेना है। उसके बाद फिर इसको पलट के साइड से फिर से हमें इसको सिल लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का लगा रही हूँ। तो ये भी मेरे पास बचा हुआ था, छोटे छोटे से टुकड़े मेरे पास बचे पड़े थे, क्योंकि मैं इस तरीके का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने इससे पहले जो है एक मैट बनाया था पुराने कपड़ों से, तो उसमें से काफ़ी सारी स्ट्रिप जो है बच गई थी, तो मैंने इनका ही यहाँ पे जो है रीयूज़ कर दिया है। और बहुत ही अच्छा और काम का प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इन चीज़ों को मार्केट में अगर खोजने जाओगे या पूछने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है ये, और बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, हर घर में जो है काम आता है, और मॉर्निंग के टाइम आप सब इसको यूज़ में ज़रूर लेते होंगे एक बारी। तो अभी हम बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि क्या जो है हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा देखिए मैं इसको करती जा रही हूँ, और बिल्कुल साइड से किनारे से मैं इसको लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। तो ये मैंने जो है मैट के हिसाब से कटिंग कर रखा था बड़ा बड़ा, तो अभी हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे, हमें इतना बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा छोटा साइज़ का चाहिए। अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसमें आप 2-2.5 इंच की जो है पट्टियाँ कट करके आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको नॉर्मली पट्टी कट करनी है और उसको खींचना है, तब जाके इस तरीके से शेप ले लेगा अपने आप ही, तो ये बन जाएगा रस्सी टाइप का। तो आप देखिए हम दूसरे वाले कपड़े को यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे इसके ऊपर, और अच्छे से कॉर्नर मिला के आप चाहो तो यहाँ पिनअप कर सकते हो, और अच्छे से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे थोड़ी गुलाई देते हुए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से, और इसी तरीके से हमें पूरे में इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें थोड़ी सी आप चाहो तो इसको जो है ऐसे ही रख सकते हो स्क्वायर में भी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर पे गुलाई दे दूंगी देखिए इस तरीके से, ताकि ये देखने में बाद में अच्छा लगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से, तो इसी तरीके से मैं इसको देखिए सारा का सारा यहाँ पे सिल लूँगी अच्छे से। तो हमें अपने जो हाथ है उसके बराबर ही इसको सिलना है, लंबाई चौड़ाई आप हिसाब से रख सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से साइडों में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके हटा देंगे, और हम इसको अब पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पलटने के बाद जो है इसका फाइनल रिजल्ट आएगा कि क्या बन के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्लव्स मूव होते हैं वो यहाँ पे मैं बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए इनकी क्लीनिंग आप अपने घर की किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हो टाइल वगैरह साफ़ कर सकते हैं, आप कोई भी कबर्ड वगैरह या कुछ भी, तो इस तरीके से आप इसकी अच्छी सी जो है यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। देखिए आप इसको गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है मार्केट में मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 300-400 रुपए के मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका यूज गाड़ी वाड़ी साफ़ करने के लिए भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ये वाला जो आप बना सकते हैं घर पे, या तो वाइपर के डंडे से या फिर कोई लकड़ी में लपेट करके बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने दूसरे आइडिया की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे आइडिया के लिए मैंने एक जो है यहाँ पे वो लिया हुआ है, टी शर्ट लिया हुआ है। तो आप कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं, फुल बाजू का ले सकते हैं, हाफ बाजू का ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो है आप यहाँ पे स्लीवलेस भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा देखिए यहाँ पे प्रिंट भी है और लिखा हुआ है, तो हम इसी से बनाएंगे। आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो मैंने इसका जो ऊपर का कॉलर था उसको हटा दिया है, और आप यहाँ पे बाजू का भी हटा सकते हैं, मैंने नहीं हटाया क्योंकि मेरा पहले से ही हाफ है। अगर आपका फुल हो तो वहाँ पे आपको हटाना ही पड़ेगा। और 2.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, तो यहाँ का जो मार्किंग है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपका टी शर्ट बहुत बड़ा है तो 5 से 6 इंच का मार्जिन आप यहाँ पे ले सकते हैं, और अगर आपका टी शर्ट यहाँ मेरी तरह छोटा है तो आप यहाँ पे इतना छोटा इसका मार्जिन ले सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखिए कट लगाना है, इसमें कम से कम आधा आधा इंच के यहाँ पे कट लगा लेना है इस तरीके से देखिए, और पूरी टी शर्ट में हमें इसी तरीके से कट लगाना है। जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ से हमें वहीं तक ही कट करना है, उससे ऊपर हमें कटिंग इसकी नहीं करनी है। तो इसी तरीके से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो इसका बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट मैं बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि फ्री में बन जाएगा और बहुत ज़्यादा काम का होगा, और आप लोग भी हैरान हो जाओगे देख करके कि क्या बन गया है, वो भी बिना किसी सिलाई मशीन के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग मेरी हो गई है अच्छे से। तो अभी देखिए कटिंग करने के बाद हम इसमें जो है नॉट लगाएंगे, जितनी भी हमने स्ट्रिप कट करी हैं पूरी की पूरी हमें इस तरीके से ही नॉट लगा के कंप्लीट कर देनी है। तो अभी नॉट कैसे लगाना है देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को पकड़ना है स्ट्रिप को इस तरीके से, और अच्छे से यहाँ पे देखिए नॉट लगा देनी है, दो नॉट लगानी है, टाइट लगानी है, हमें लूज़ नहीं लगानी है, क्योंकि लूज़ लगाओगे तो बाद में खुल जाएंगी और हमारी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखिए फ्री में एकदम बिना मेहनत के, बिना किसी सिलाई मशीन के, आप देखिए घर में ही बहुत ही प्यारा सा जो है आप यहाँ पे वेजिटेबल्स बैग आप बोल सकते हैं, शॉपिंग बैग कुछ भी बोल सकते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं एकदम फटाफट से और फ्री में। तो चलिए थोड़े से मैं यहाँ पर आलू वगैरह रख के दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों के आज के मेरे जो दो आइडिया हैं वो अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूँ आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।